नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में, और मैं हूं नैतिक राज तिवारी, और मेरे साथ है विवेक शर्मा। तो ये विवेक शर्मा है, शर्मा जी के लड़के हैं, लेकिन हम मुद्दा करते हैं दूसरे शर्मा जी के लड़के पर, जिनकी ओडीआई में कप्तानी है, लेकिन चोट के कारण वो ओडीआई नहीं खेल पा रहे, जो साउथ अफ्रीका और भारत के बीच होने जा रहा है, और उसमें नया मोड़ जो आ गया है लोगों के लिए और कह सकते हैं थोड़ा बॉलीवुड के लिए भी, क्योंकि केएल राहुल को कप्तान बना दिया गया है और हमारे बुम बुम बुमराह उनको उपकप्तान बना दिया गया है। तो ये जो कयासें जो लगाई जा रही थी कि विराट कोहली के बाद कप्तानी कौन करेगा, वो एक्सपोज हो गया, और रोहित शर्मा के बाद जो कप्तानी करने वाले हैं ओडीआई के लिए, वो भी एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो ये मुद्दा है और साफ तौर पर क्लियर है कि अगर बाय चांस किसी को चोट लगता है तो उनकी जगह कैप्टेंसी कौन करेगा, क्योंकि देखा गया है विवेक की केएल राहुल T20 में कैप्टेंसी कर रहे हैं पंजाब के लिए, लेकिन जो आने वाला IPL है वो किस तरीके से साफ किस टीम के लिए जाते हैं, किस टीम के लिए, क्योंकि बुमराह ऑलरेडी रोहित के अंडर में वो काम कर चुके हैं, क्योंकि उनको बॉलिंग का एक्सपीरियंस है T20 में रोहित के साथ, और अब केएल राहुल के साथ वो भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना कि बुमराह के ऊपर एक नई जिम्मेदारी है कैप्टेंसी को तौर पे, आज तक उन्होंने वो चीज नहीं देखा है, कैप्टेंसी को लेकर वो कभी भी इस तरीके से उभर के नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से बुमराह के ऊपर जिम्मेदारी ये होने वाली है उसको लेकर आप क्या कैसा कह सकते हैं? देखिए नैतिक, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां तो बुमराह पे पहले से ही थी, क्योंकि बुमराह हमेशा से भारत के लिए बेस्ट गेंदबाज रहे हैं और एक अच्छी भूमिका उनको निभानी होती है। लेकिन ये चौंकाने वाली बात रही मेरे लिए जब BCCI ने रात को ट्वीट किया, जिसमें 18 सदस्य टीम जो निकाली गई उसमें कप्तान बनाया गया केएल राहुल को और जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया गया। दोनों के लिए कहीं ना कहीं नया साल एक खुशियां लेके आया, और आपको बताते चलें 2022 में नई टीमें आ रही हैं, लखनऊ और अहमदाबाद, और सुनने में आया है कि लखनऊ ने कहा है कि हम केएल राहुल को अपनी टीम का कैप्टन बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए तक का अमाउंट देंगे। मतलब ये एक इतिहास बनने वाला है, एक बंपर ऑफर है केएल राहुल के लिए। अगर देखा जाए एक एज अ प्लेयर की बात करें, जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि हाँ ये एक्सपेंसिव खिलाड़ियों का जो रेट होता है, सबसे ज्यादा देखा गया था कि 19 करोड़, 16 करोड़, 19 करोड़ तो फिलहाल नहीं, 18 करोड़ तक कोई भी जो टीम होती थी, कोई भी फ्रेंचाइजी होती थी IPL की, वो ज्यादा से ज्यादा 16 से 18 जाती थी, उससे ज्यादा नहीं जाती थी। लेकिन लखनऊ की जो टीम है उसने सीधे ऑफर कर दिया है 20 करोड़ का। तो ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये कहते हैं ना नई साल है नया बिग अमाउंट है, तो इसको लेकर तमाम मुद्दे हैं। हम आपको बता दें कि पहला जो वनडे जनवरी में 19 जनवरी से खेला जाएगा, और दूसरा 21 जनवरी को है, और तीसरा जो है 23 जनवरी को है। तो ये ODI का जो स्क्वाड तैयार हुआ है, हम चाहेंगे कि आप विवेक बताएं कि इस स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है, कौन कौन से उभरते हुए वो चेहरे जो इस स्क्वाड में शामिल हुए हैं। रोहित शर्मा के बाद BCCI ने इस बात का ख्याल रखा है कि टीम में नए चेहरों को भी मौका दिया जाए, और साथ ही साथ पुराने चेहरे जो एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, भारत के गेंदबाज हैं, उनको भी टीम में लिया जाए। तो मैं आपको अपनी भारत की तरफ से रिलीज की हुई टीम के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले KL राहुल का नाम आता है जो कैप्टन बन चुके हैं, उनके बाद शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली हैं। चौथे नंबर की भरपाई करने के लिए हमारे पास ऑप्शन मिलता है सूर्य कुमार यादव का और श्रेयस अय्यर का। इसके बाद में विकेट कीपर के तौर पर अगर हम देखें तो ऋषभ पंत और ईशान किशन अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम ऑलराउंडर प्रदर्शन की बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या को मौका नहीं मिला, और ये थोड़ा निराशाजनक भी है, लेकिन वेंकटेश अय्यर को मौका दिया गया है। बता दें आपको युजवेंद्र चहल को और रविचंद्रन अश्विन को, साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर को स्पिन का काम मिला है। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और लास्ट में जसप्रीत बुमराह जो वाइस कैप्टन बन चुके हैं भारत के। ये हमारी पूरी टीम है ODI के लिए। बड़ी बात यह है कि हमारे पास एक ऑप्शन था शिखर धवन का, जिसको हम कैप्टन के रूप में या वाइस कैप्टन के रूप में देख सकते थे, लेकिन BCCI ने दोनों उभरते हुए चेहरों को ये भूमिका दी है और कैप्टन और वाइस कैप्टन के उससे बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हम अक्सर देखा गया है कि जो शिखर धवन है वो कैप्टेंसी के तौर पर भी सटीक बैठते हैं, फिट बैठते हैं, लेकिन जो बीते दिनों की उनकी परफॉर्मेंस देखी गई है वो परफॉर्मेंस कहीं डगमगाती हुई दिखती हुई नजर आई है सबको। तो हो सकता है कि BCCI के जो तमाम जो सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं उनकी नजर ऑलरेडी KL राहुल पे थी, क्योंकि KL राहुल ने अपना अभी टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसको लेकर भी देख सकते हैं। और बुमराह तो कहते हैं ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है पूरे तरीके से, वो हर मौसम
जो बरसात कहते हैं ना कि हर मौसम बरसात, तो वही हाल है बुमराह का कि जब जिस पिच पे खिला दो भाई, विकेट निकालनी है तो निकालनी है, और केएल राहुल को खिला दो तो भाई वो विदेशी खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन वहां साउथ अफ्रीका के लिए तो विदेशी ही खिलाड़ी हुए। तो खैर, विदेशी पिचों के ऊपर जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर तो कोई क्वेश्चन मार्क बनता नहीं है। तो ये थी हम जो आपके लिए एक लेके आए थे, जो सेलेक्टर्स ने नए कप्तान को चुना है उसको लेकर ये खबरें थी, और इन तमाम खबरों को लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे हर रोज़। हर रोज़ हमारी मुलाकात आपसे होती रहेगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। बाकी की बातें होंगी अगले वीडियो में। तो अभी तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर और धन्यवाद।